गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना. डिफिनेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, है ना. डिस्कसिंग ऑल्सो इन अर्ली क्लासेस, है ना. सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डिफिनेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, है ना. सोनोरिटी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, दीज पॉइंट्स हैव बीन डिस्कसिंग इन अर्ली क्लासेस. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिस्कशन इन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ साइंस. फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स देर इज नो चेंजिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आती है. जैसे कि आप वाटर को बॉइल करो, तब वाटर बॉइल करते हो तो गर्म हो जाती है, फिर से वो नॉर्मल हो जाती है, ठंडा हो जाती है, कोई चेंज नहीं हुआ. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करो वाटर में चेंज हो जाएगी, फिर से वाटर जो है जम जाएगा और बन जाएगा आइस. तो प्रॉपर्टी नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आता, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी. और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, अपना पहचान खो देता है. जैसे फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फल और सब्जी का सड़ना करना. तो फल और सब्जी सड़ता गलता है तो आप देखे होंगे कि सड़ गया तो सड़ गया, दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते. तो ये होगी आपका क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना. तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मैंने लिखा है, इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी से कोई चेंजिंग नहीं आती है मेटल्स में, ठीक है. और केमिकल अगर लिखते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. कैसे, जो कि मैं इसके बाद बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी. तो देखिए क्या है, पहला लिखा मोस्ट ऑफ मेटल्स हैव लस्टर. मोस्ट ऑफ मेटल्स मैंने लिखा है, नहीं कि टोटल मेटल, ज्यादातर. मोस्ट ऑफ मेटल्स मतलब ज्यादातर मेटल्स, अधिकांश मेटल्स चमक रखता है. मोस्ट ऑफ मेटल्स मतलब ज्यादातर मेटल्स चमक रखता है, नहीं कि सबका सब जो है चमक रखता है, ठीक है. ज्यादातर मेटल्स हैव लस्टर, चमक रखता है. ये सब थोड़ा सा आपको एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा. ये मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है. मैलिएबल मतलब कन्वर्टेड इंटू थिन शीट्स, लोहा पे चादर देखे ना, और डक्टाइल मतलब आपका हो गया लॉन्ग वायर, है ना. तो वायर में आप बना सकते हैं इससे, है ना. तो ये मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, मतलब चादर में बदल सकते हैं और तार भी बना सकते हैं. लोहा का तार होता है, कॉपर का. अगला, दीज हैव हाई डेंसिटी. इसका डेंसिटी जो है हाई होता है. डेंसिटी मैंने आपको फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, मास बाय वॉल्यूम. हाई डेंसिटी होता है ना. मैंने बताया था डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम. जैसे बताया था वो जहाज नहीं डूबता है, वो छोटा सा नीडल डूब जाता है. जहाज का वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, तो फ्लोट करेगा. और नीडल का वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, तो सिंक कर जाएगा. ये सब देखिएगा पीछे वाला वीडियो, फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर वाला, जो नहीं जानता है डेंसिटी के बारे में, है ना. दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना. इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. एक्सेप्शन मैंने कल भी लिखा दिया था, एक्सेप्शंस केस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल का लिखा था. इसमें गैलियम है, जीए गैलियम, सीजीएस सीजीएम, मैंने लिखा दिया था सिंबल भी, फुल फॉर्म इसका, ठीक है. गैलियम सीजीएम को हथेली पे रखते हैं तो पिघल जाता है. दीज है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दीज है ना, ये इलेक्ट्रो मैंने माथा पर देखिए, पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज रखता है. जैसे ये देखिए कहां गया, देखिए Na प्लस दिख रहा है ना आप लोगों को, Mg प्लस प्लस दिख रहा है ना, तो ये सब हो गया मेटल. जिस पर माथा पर प्लस चार्ज हो गया मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना. तो मैंने डिफिनीशन भी आपको प्रॉपर्टी बेसिस पे ही ना लिखाया था जी, मैंने आपको पॉइंट क्लियर लिख दिया था. डिफिनेशंस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, है ना, इज ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी. तो इसका प्रॉपर्टी लिखा है, ये कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल है. इस सब प्रॉपर्टी बेसिस पे हमने डिफिनेशन दिया था. क्या दिया था डिफिनेशन में, लस्टर होता है, मैलिएबल डक्टाइल होता है, हाई डेंसिटी होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, है ना, आपको गुड कंडक्टर, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ये सब मैंने आपको डिफिनेशन में यही सब मैंने लिखा था. तो मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, उसके मेटल नॉन मेटल का डिफिनेशन उसके प्रॉपर्टी पर ही दिया गया है. यही सब प्रॉपर्टी जो है लिखा है, इसी यही सब डिफिनेशन में भी आपको लिखा है. तो डिफिनेशन याद कर लो, प्रॉपर्टी याद हो गया. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफिनेशन याद कर लो, प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ठीक है.
केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दिए बिना नहीं बता सकते थे, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने डिफिनेशन नहीं दिया था। सारा का सारा डिफिनेशन इसमें आपको मिल गया होगा, जितना भी मैंने डिफिनेशन दिया होगा इसमें मिल गया होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन केस है मरकरी, ये मरकरी कौन, ये ट्यूबलाइट वाला नहीं, ये मरकरी हो गया जो थर्मामीटर में यूज होता है, मैंने कल बताया था। डीज आर सोनरस, सोनरस का मतलब क्या हुआ, ये आवाज उत्पन्न करता है ना, पिटने पर रिंगिंग आवाज गूंजता है, ठीक है, जैसे लोहा के घंटे बजाते हैं तो आवाज पूरा क्लास में जाता है। दीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैंने बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिना टूटे हुए कुछ टेम्परेचर पर ये स्ट्रेच हो जाता है, लम्हर जाता है ना, ये सब मैंने बताया। जैसे लोहा, लोहा के पटरी के गैपिंग रहता है रेलवे ट्रैक में ताकि गर्मी के कारण फैले और एक्सीडेंट ना हो, गैपिंग रहने का, ये सब मैंने बताया था क्वेश्चंस लिस्ट में बताया था। मोस्ट ऑफ मेटल्स हार्ड, ज्यादातर मेटल्स हार्ड होता है, मैंने कहा मोस्ट ऑफ ही नहीं कि टोटली मेटल्स हार्ड होता है, एक्सेप्शन केस है सोडियम पोटासियम, ये बैक्स लाइक होता है, बैक्स मतलब मून, बैक्स मतलब मून के जैसा होता है, कौन, सोडियम और पोटासियम बैक्स लाइक होता है, सोडियम एंड पोटासियम बैक्स लाइक यानी मून के जैसा होता है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का है तो सब में नॉट लगा दीजिए, हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का है तो सब में क्या लगा दीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए आयन के बारे में पढ़ते हैं, आयन मतलब ठेठ भाषा में माथा पर प्लस या माइनस चार्ज, ठेठ भाषा में इसको कहिए आयन मतलब माथा पर प्लस या माइनस चार्ज। देखिए तो क्या लिखा है आयन में, आयन में मैंने लिखाया हीच लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, हीच लूजेज, लूज मतलब देना, जो दिया या गेन्स, गेन मतलब लिया या इलेक्ट्रॉन्स लेता है, कॉल्ड आयन। देखिए ये माइनस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब देने वाला इमीन माथा पर प्लस, ध्यान दीजिए जो दिया कुछ पैसा कौड़ी दिया वो अमीर आदमी होगा है ना, तो देने वाला अमीर यानी प्लस चार्ज, और लेने वाला ग्रीव, कहा गया लेने वाला ग्रीव, ग्रीव ग्रीव, हाँ लेने वाला देखिए प्लस थ्री मतलब तीन गो इलेक्ट्रॉन दिया, लेने वाला ग्रीव मतलब माइनस चार्ज। मैंने आपको बताया था ये सब पहले भी मैंने बताया था, डिस्कस किया था, माथा पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, आयन कहते हैं, ठेठ भाषा में समझिए माथा पर प्लस या माइनस आ गया वो आयन हो गया सिंपली, बस हीच लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज मैंने देना, या तो इलेक्ट्रॉन देता है, यहां पर लिख देता हूं देना, लूजेज यानी देना, हीच लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, ये मतलब लेना, कॉल्ड आयन। जैसे देखिए Na हो गया सोडियम माइनस, अब कैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये कैसे दो इलेक्ट्रॉन दिया, कैसे दो इलेक्ट्रॉन लिया, ये कैसे थ्री प्लस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन, इसका डीपली नॉलेज लेंगे नाइन्थ क्लास में, या फिर मैं नाइन्थ का वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप लोग एट क्लास के बच्चे देख सकते हैं, है ना। माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिया, थ्री इलेक्ट्रॉन से क्यों दिया, इसका डीपली नॉलेज आप लीजिएगा नाइन्थ क्लास में, और मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो देख सकते हैं एट क्लास के बच्चे भी, ठीक है। तो इसकी जानकारी नाइन्थ क्लास में आपको मिलेगी। तो देखिए ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दो प्लस, कैसे की जानकारी ना मिली, एक प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो लेने वाला ग्रीन मतलब माइनस चार्ज, देने वाला ध्यान दीजिए देने वाला इमीन प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीन माइनस चार्ज, सिंपली याद करने का तरीका, देने वाला मीर प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीन माइनस चार्ज, ठीक है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिया प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस चार्ज, दो ये दो इलेक्ट्रॉन लिया तो लेने वाला ग्रीन यानी माइनस चार्ज, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन लिया तो दो माइनस, तीन इलेक्ट्रॉन लिया तो थ्री माइनस। आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये समझ गए आप लोग, अब एक चीज देखिए मैंने यह पॉइंट में लिखा है, यहां पर क्या को माइनस है, या ऐसे भी आप केमिस्ट्री में लिख सकते हो या थ्री माइनस, लेकिन मैथ में अगर आप ऐसे लिखते हो
थ्री माइनस टू का मतलब वन हो गया, आइए देखिए माइनस थ्री का मतलब माइनस वन हो गया, तो अलग मैच में अलग हो जाता है। अगर थ्री माइनस लिखते हो कुछ घर तो वन आता है, आई माइनस थ्री लिखते हो तो माइनस वन आ जाता है। तो मैच में अगर माइनस पहले लिखो या बाद में फर्क पड़ता है, बट केमिस्ट्री देयर इज नो अफेक्ट इन केमिस्ट्री, यू कैन राइट थ्री माइनस टुगेदर एंड माइनस थ्री, अदरवाइज थ्री माइनस देयर इज नो प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री। ठीक है, डाउट है? उसी तरह आप एम जी लिखे ना प्लस प्लस, आप ऐसे लिख दो एम जी प्लस टू या एम जी टू प्लस, केमिस्ट्री में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान रहे केमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मैथ में पड़ जाएगा। देखिए आयन दो टाइप का, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। पॉजिटिव मतलब देने वाला इमीड प्लस चार्ज, तो जो लूजेस किया इलेक्ट्रॉन्स तो रिजल्टेंट इज, ये रिजल्टेंट जैसे देखिए लूजेस किया ना, तो ये वाला हो गया आयन, ये वाला आयन हो गया, ये वाला आयन हुआ। ये देखिए ये वाला आयन कहा मैंने माथा पर, ठेठ भाषा में माथा पर प्लस या, इसमें भी मैंने डिफिनेशन में लिखाया रिजल्टेंट इज कॉल्ड आयन। रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट एन है कि एन ए प्लस, एन ए प्लस या आयन हुआ। रिजल्टेंट एन की एन माइनस माइनस माइनस, एन माइनस, ये हो गया आयन। ठीक है, सब छोटा छोटा बात पे क्लियर करोगे। तो आयन दो टाइप का, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव मैंने अभी बताया देने वाला इमीड यानी प्लस चार्ज, तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन रिजल्टेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। जैसे K प्लस Na प्लस ये हो गया NH4 प्लस है ना, ये सब पॉजिटिव। निगेटिव आयन जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज कॉल्ड निगेटिव आयन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे O देखिए ये माइनस वाला दो को माइनस, इसमें भी दो को माइनस, इसमें एक को माइनस है ना, ये हो गया निगेटिव आयन। तो देखिएगा मैंने आपको कुछ आयन लिखा और उसका सिंबल लिख दिया, क्यों हुआ प्लस टू प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस टू, इसकी जानकारी नाइन्थ क्लास में, या मैं वीडियो नाइन्थ क्लास में एटम्स मॉलिक्यूल्स में वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें आप एट्थ क्लास के बच्चे भी अगर इनको देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं कैसे हुआ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब का मैं यूज करूंगा, कोई केमिकल प्रॉपर्टी जब मैं बताऊंगा तो ये सब का मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम आयन का सिंबल हो जाएगा Na। सोडियम का सिंबल आपने जाना Na होता है, आयन एक प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया। मैग्नीशियम आयन का दो प्लस, एल्युमिनियम का थ्री प्लस, हाइड्रोजन आयन का H, देखिए प्लस भी हो सकता है H माइनस भी हो सकता है, वो क्या रिक्वायरमेंट है क्या जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन का H प्लस होगा या H माइनस। कार्बन आयन का चार को प्लस होता है, अब चार को प्लस को प्लस फोर भी लिख सकते हैं, फोर प्लस भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। अब देखिए नाइट्रोजन आयन को थ्री माइनस है ना, बताया भी ऑक्सीजन आयन का दो को माइनस, क्लोरीन आयन का एक माइनस, क्लोरीन आयन का एक माइनस और आयोडीन आयन का भी एक माइनस। ये थोड़ा एक दो तीन बार देख लीजिएगा ना आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप याद करोगे तो इसको थोड़ी नहीं याद करोगे, हो सकता है भूल जाओगे, याद करोगे हो सकता है। अब क्या करो ना कि इस डेटा को दो तीन बार आप खुद से लिखो, पहले एक दो बार देख लो, उस पर डेटा को दो तीन बार लिख लो। मैं कहता हूं 80% आपको लाइफ टाइम दिमाग में सेट हो जाएगा, और नाइन्थ में तो एक्सप्लेन कर ही लोगे आप लोग, नाइन्थ क्लास में डिटेल में पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो आप एक दो बार देख लो पहले, उसके बाद दो तीन बार आप खुद से लिखोगे। ठीक है, अब देखिए आगे फास्फोरस आयन का P प्लस फाइव भी हो सकता है, P माइनस थ्री भी हो सकता है, वो रिक्वायर्ड पर डिपेंड करता है। वो आपको सल्फर आयन का S दो को माइनस, ब्रोमीन आयन का एक को माइनस, पोटासियम का K प्लस, कैल्शियम का Ca प्लस। अब देखिए कॉपर आयन, कॉपर में भी दो तरह का आ सकता है, वो Cu प्लस, क्यों की जानकारी आपको नाइन्थ क्लास में मिलेगी, बहुत सारे क्यों की जानकारी आपको नाइन्थ क्लास में मिलेगी, या मैं वीडियो आइटम मॉलिक्यूल का अपलोड करूंगा, तो जो एट क्लास के बच्चे जो है कैपेबल है, जागरूक है देखने के लिए, तो देख सकते हैं, मैं अपलोड करूंगा, अभी नहीं किया हूं। तो पोटासियम आयन का के प्लस, कैल्शियम आयन का सी ए दो को प्लस होता है। अब देखिए कॉपर में दो को होता है, एगो सी यू प्लस वन भी हो सकता है, सी यू प्लस टू भी हो सकता है। अब प्लस वन वाले को क्यू प्लस बोलते हैं और प्लस टू वाले को क्यूप्री। कम वाला को एस, देखिए ओ यू एस कम वाला, इसमें भी देखिए कम प्लस टू कम है, प्लस थ्री ज्यादा है, तो कम वाला में एस बोले हैं ओ यू एस, ज्यादा वाला में इक बोले हैं आईसी। कम वाला में कोई भी हो, किसी का भी अगर एक से ज्यादा जो है चार्ज है ना, तो कम वाला रहेगा एस, ज्यादा वाला रहेगा इक, एकदम हमेशा ऑलवेज
आगे मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा। कॉपर आयन का सीयू देखिए प्लस वन भी होता है प्लस टू भी होता है, ठीक है। तो कम वाला में एस होगा ओ यू एस और ज्यादा वाला में एक। उसी तरह आयन का भी दो है, वो प्लस टू हमारे तो कम वाला में एस फेरस और फेर एक, ठीक है। सिल्वर आयन का ए जी प्लस, ठीक है। बैरियम आयन का बी ए प्लस टू और जिंक आयन का जेड एन प्लस टू। अब देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का ओ एच माइनस है ना, इसमें देखिए एक से ज्यादा आयन है। इस सब में जितना भी आपको इधर तक पढ़े हैं उसमें सिंगल आइटम है। अब इसमें दो तरह के आइटम है, तीन तरह के आइटम है। अभी जो आपने पढ़ा उसमें केवल और केवल एक ही तरह के ए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आपको एक ही तरह के आइटम थे, लेकिन इसमें देखिए एक से ज्यादा भी आइटम हुआ। हाइड्रोक्साइड आयन OH एक माइनस होगा। एक दो बार देख लो, दो तीन बार लिख लो, दिमाग में बैठ जाएगा। सल्फेट आयन का SO4 दो को माइनस, कार्बोनेट का है ना, ये सब देखिए। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है क्लास में, केवल आपको बता देना कि क्यों कैसे हुआ बस, लेकिन आपको मैं समझा ज्यादा समझाने का कोशिश करता हूँ। मेरा सोच रहता है कि पूरा डीप में मैं समझाऊ है ना, और बच्चों को मैं कंपटीशन के लायक बनाऊं, मेरा ये सोच रहता है। इस कारण से मैं हर एक पॉइंट पर छोटे छोटे पॉइंट पर तो केयर करता हूँ और डीप में मैं पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोक्साइड को एच माइनस, सल्फेट का एसओ फोर दो को माइनस, क्यों का रीजन बार बार बोल रहा हूँ, नाइन्थ क्लास। कार्बोनेट का दो को माइनस। अभी देखिए बाई कार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, बात देखिए पानी कहिए या जल कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। उसी तरह बाई कार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, बात एक ही है। एच सी ओ थ्री माइनस, बाई सल्फेट कहिए या हाइड्रोजन सल्फेट, एच एस ओ फोर माइनस, ठीक है। नाइट्रेट आयन का एनओ थ्री है ना माइनस वन होगा, और नाइट्रस का भी वही होता है लेकिन एनओ टू होता है। नाइट्रस में माइनस वन लेकिन एनओ टू। फॉस्फेट का पीओ फोर माइनस थ्री है, तीन को माइनस है। अमोनियम आयन का एनएच फोर प्लस, एक प्लस है। ये पूरा मिला के एक प्लस है, ऐसा नहीं समझो, यहाँ पर पूरा मिला के थ्री माइनस है, ऐसा नहीं समझो कि खाली ओ पर थ्री माइनस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप जो समझ रहे, यहाँ पर केवल, यहाँ पर खाली ओ पर दो माइनस है, यहाँ पर केवल एच पर एक माइनस है, नहीं पूरा देखिए ब्रैकेट में करके लिखे हैं, मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है, तो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब दोनों मिला के, तो ब्रैकेट में करके लिखा है दोनों मिला के, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन दोनों को मिला के वन माइनस। सल्फाइड और अमोनियम आयन का एनएच फोर प्लस। अब देखिए सल्फाइड, ध्यान रहे सल्फाइड लिखा है, अगर गलती से सल्फाइड अगर आप लिख देते हैं, गलती से अगर आप सल्फाइड लिखते हैं ऐसे एस यू एल पी एच आई डी ई तो एस माइनस हो जाएगा टू को, सल्फाइड है। ध्यान रहे डी अगर टी के जगह डी लिख दीजिएगा तो सल्फाइड हो जाएगा, तो दो को माइनस। सल्फाइड है एसओ थ्री टी माइनस, अगर डी लिख दीजिएगा तो एस दो माइनस, ठीक है, क्लियर है। सल्फाइड इसको बोलते हैं, सल्फर आयन को यहाँ पर देखिए लिखा है, मैंने कहीं पे लिखा होगा है ना, नाइट्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन, देखिए ऑक्सीजन आयन को हम लोग ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन आयन को जैसे हम लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिखता हूँ, देखिएगा MgO मैंने कहीं लिखा, तब मैग्नेशियम ऑक्सीजन आयन बोलेंगे इसको, नहीं मैग्नेशियम ऑक्साइड, लास्ट में ID ऐड करके बोलते हैं। उसी तरह मैं लिखूं आपको यहाँ पर Na2O तो सोडियम ऑक्सीजन लिखे आयन बोलिएगा, सोडियम ऑक्साइड है ना, तो इसको ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको फ्लोराइड भी बोलते हैं, लिख देता हूँ फ्लोराइड, इसको क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको आयोडाइड भी बोलते हैं, और इसको फॉस्फाइड, इसको सल्फाइड, हाँ ये आ रहा है, इसको सल्फाइड भी बोलते हैं, इसको ब्रोमाइड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नहीं प्लस वाले में नहीं 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 माइनस वाला में ऐसा बोलते हैं आईडी लगाकर, जिसमें देखिए माइनस चार्ज है, देखिए इसमें माइनस चार्ज है तो आईडी लगा के बोले माइनस, इसको भी नाइट्राइड भी बोलते हैं, छोड़िए नहीं लिखता हूँ बीच बीच हो जाए, नाइट्राइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर आएगा लिख देता हूँ, चलो भाई नाइट्राइड। तो देखिए जितना भी माइनस चार्ज है सब में आईडी लगा के लिख सकते हैं, माइनस चार्ज है ना, नाइट्राइड नाइट्राइड, चलो नाइट्राइड, हाँ सॉरी यहाँ पे नाइट्राइड होगा, नाइट्राइड जिसमें भी माइनस चार्ज है आईडी लगा के जोड़ लिख दिए, आईडी लगा के लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए। अब प्लस वाला में कुछ नहीं लिखा है, मैं प्लस वाला में आईडी लगा के
है ना, इसमें भी आप लिख सकते हैं फॉस्फाइड, है ना, इसमें सल्फाइड लिखे हैं, ब्रोमाइड लिखे हैं, इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज वाला जो लिखे ना उसमें फाइव डी लगा के लिख सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अगर सिंगल होता सिंगल होता फाइव डी लगा के जोड़ देते हैं, और तो फिर लिखा हुआ है दो से ज्यादा में, ठीक है। अब देखिएगा मैंने लिखाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी अपना वो पहचान है ना खो देगा, ऑब्जेक्ट लूजेज ऑन आइडेंटिफिकेशन, है ना, जिसमें अपना सब जो सब्सटेंस है अपना पहचान खो देता है, जैसे कि सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, तो बताइए जब दूध से दही बनेगा, जब दूध से क्या बनेगी, दही बनेगी, तो गारंटी है कि आपका दही से फिर दूध नहीं बन पाएगा, दूध से दही बनता है, दही से दूध, यानी फिर से पहले जैसा वापस अपना पहचान खो दिया, दूध था पहले टेस्ट कुछ और, अब दही बना लिए तो हल्का मीठापन या खटापन टाइप का हो जाता है, तो अपना पहचान खो दिया, तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। फल सब्जी सड़ गल गया, फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, अपना पहचान खो दिया, फिर सड़ा फल, सड़ा हुआ फल को फिर से पहले जैसा वापस, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बना लिए, जैसे कि आप सब्जी बना लिए, फिर से सब्जी को चाहिएगा आलू अलगे कर दें, तेल अलगे कर दें, प्याज अलगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो वही हम पढ़ रहे हैं, पहला लिखा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मेटल्स का, धातुओं का रासायनिक गुण, किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मेटल का, तो पहला लिखा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना, रिएक्शन विद, तो क्या लिखा है, इफ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, यदि मेटल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है, और देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा दिया, O2H2Cl2Br2I2F से हमेशा पेयर में होता है, कभी भी अगर केवल O नहीं लिखते हैं, हमेशा देखिए O2H2Cl2I2Br2F2 हमेशा पेयर में होता है, इसलिए O2 लिखते हैं। तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस देन इट गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड देता है, जैसे देखिए Mg है ना, अब प्लस O2, Mg हो गया मैग्नेशियम मेटल, O2 हो गया ऑक्सीजन गैस, तो रिएक्शन किया बनाया MgO, अब MgO हो गया, MgO2 क्यों नहीं हुआ, ये सब की जानकारी आप 9th क्लास में, या मैं 9th क्लास का बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ, वीडियो अपलोड करूंगा, एटम्स मॉलिक्यूल से चैप्टर है, उसमें आप लोग 8th क्लास वाले बच्चे जो जानना चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं, ठीक है, है ना। फिर मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटालिक ऑक्साइड बना, MgO ही क्यों हुआ, MgO2 क्यों नहीं हुआ, MgO2 क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी आपको 9th क्लास में डीप में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेशियम ऑक्साइड, अब देखिए लिखा है मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं, जैसे पानी कहिए या जल कहिए कोई अंतर नहीं है, उसी तरह मेटालिक ऑक्साइड कहिए या बेसिक ऑक्साइड कोई अंतर नहीं है, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो Mg+O2 MgO, MgO क्या मैग्नेशियम मेटल, O2 ऑक्सीजन गैस, बनाया MgO मैग्नेशियम ऑक्साइड, ठीक है। उस तरह दूसरा एग्जाम्पल सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनाया, अब कह सर फिर वही बात Na2O हुआ, NaO क्यों नहीं हुआ, NaO2 क्यों नहीं हुआ, तो इसकी जानकारी आपको 9th क्लास में मिलेगी डिटेल में, बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ या मैं बताऊंगा तो उस समय पढ़ सकते हैं, Na+O2 Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये मैंने अभी बताया था आपको ऑक्सीजन आयन को ऑक्साइड भी कहते हैं, और ऐसे भी जब लास्ट माइनस वाला जितना भी चार्ज है उस सब में IDE लगा के बोल देते हैं, जैसे मैंने लिखा था ऑक्सीजन आयन का O-, जितना भी माइनस वाला चार्ज है उस सब में फॉर्मूला लिखते समय IDE लगा के बोल देते हैं, जैसे जितना ही माइनस चार्ज है उसका फॉर्मूला लिखते समय IDE लगा के, जैसे ऑक्सीजन आयन तो ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड तो ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ये क्या हो गया, पोटासियम ऑक्सीजन से पोटासियम ऑक्साइड, उसी तरह कैल्शियम ऑक्सीजन से किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन से किया कॉपर ऑक्साइड, क्लियर। तो थर्ड है जैसे कि ये कैल्शियम फिर ऑक्साइड, नाम याद करना बहुत आसान है, और कॉपर ऑक्साइड, अब कहिएगा सर ये केमिकल प्रॉपर्टी आखिर है कैसे, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे आप किस बेसिस पर कह दिए,
तो बउआ अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का प्रॉपर्टी रखता है कि ऑक्सीजन का, कि दोनों का, कि दोनों में से किसी का नहीं? नन ऑफ दीज। बउआ तब न केमिकल प्रॉपर्टी होगी। चलो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो दिस हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम नॉर प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ये ना ही कैल्शियम का प्रॉपर्टी रखे हुए है और ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी। उसी तरह ना ही एक कॉपर का प्रॉपर्टी और ना ही है। और एक चीज ध्यान दीजिए, किसी का भी अगर सिंबल आप लिख रहे हो, जैसे कॉपर का सिंबल लिखे सी यू, तो शुरू में कैपिटल लेटर उसके बाद स्मॉल। मैग्नेशियम का सिंबल आप लिख रहे हो Mg ना, तो ऐसे लिखोगे? नहीं, जब भी किसी का सिंबल लिख रहे हो तो एक बात का माइंड में सेट कर लो, स्टार्टिंग कैपिटल। कोई भी एलिमेंट का सिंबल मैं बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का आइटम का सिंबल लिखोगे तो शुरू में कैपिटल लेटर और उसके बाद स्मॉल। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बताइए, आप बताइए इसमें के वो के टाइप का आइटम है, कैपिटल है फिर स्मॉल है, यानी एक वो आइटम हुआ ही और फिर वो हो गया ऑक्सीजन, यानी दो आइटम। अगर मैं पूछ दूं इसमें ये SO4, अब मैं पूछ दूं तो क्या बताएगा इसमें? 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2, हाँ फोर टच का आइटम है। देखो सी एगो ए एगो एस एगो ओ, देखिए सी कैपिटल है। देखिए हर एक छोटा छोटा बात बताता हूँ, ये सब तो जानकारी चाहिए, ये सब जानकारी नहीं रहती है तो आगे कंपटीशन में बहुत दिक्कत होती है। ये शुरू में कैपिटल सी लिखे फिर स्मॉल लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलके एक हुआ है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहता, यानी ये अलग है और ये एक अलग आइटम है, सिंबल लिखे हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, है ना, कुछ ये सब जो है केमिकल फॉर्मूला हुआ। केमिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं? इफ प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि इसका यहाँ पर देखिए ना मैग्नेशियम ऑक्साइड लिखे, इसमें मैग्नेशियम है और ऑक्सीजन है, सिंबल में लिखे, तो इसी को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैथ में होता है ना फॉर्मूला, उसी तरह ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला हुआ। जैसे मैथ में एगो फॉर्मूला बता दिए उस तरह पर ढेर सारा मैथ बनता है, उसी तरह इसमें है। अब मैं बोलूँ आपको लिखने के लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम। अब बताइए पोटासियम ऑक्साइड बार बार लिखेंगे कितना समय लगेगा? तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया K2O। केमिकल फॉर्मूला मतलब प्रेजेंट एटम्स इन द कंपाउंड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, प्रेजेंट एटम्स इन द कंपाउंड आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। जैसे प्रेजेंट आइटम पोटासियम है और ऑक्सीजन है तो सिंबल में लिख दिया, है ना। नंबर ये वो है, नंबर के साथ लिखते हैं। पोटासियम ऑक्साइड का खाली ऐसे लिखेगा के ओ, नहीं के को पोटासियम है, ये मैं आपको मैंने अभी बताया कि के टू क्यों हुआ, इसकी जानकारी नाइन्थ क्लास में। अब उसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला ये हो गया। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? प्रेजेंट एटम्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो इसका सिंबल हो गया सी यू, इसका सिंबल ओ, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, समझ गए केमिकल फॉर्मूला भी। और मैं बता रहा था आप लोग क्या, जैसे MgO में मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है कि बोथ एंड बोथ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आगे मैं इसको क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल देके, मुझे पहले ये तीनों समझाने दीजिए, ठीक है, आगे मैं क्लियर करूंगा। तो डाउट है तो कमेंट जरूर, तो डाउट है तो कमेंट करोगे, है ना, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन, कोई भी मेटल हो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मेटालिक ऑक्साइड देगा, या उसको बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना, ठीक है। एक चीज तो मैं इंपॉर्टेंट चीज लिखा है नहीं, ये रस्टिंग वाला थी, इसे मैं मिटाता हूँ, रस्टिंग वाला, ठीक है। आयरन Fe+O2, यही तो, इसी को तो बोलते हैं, है ना, ये होगी आयरन ऑक्साइड, ये बहुत ही रस्टिंग है, जो जंग लगता है ना लोग, हमें यही है रस्ट, आयरन ऑक्साइड है, इसी को बोलते हैं, इसका नाम किया आयरन ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं रस्ट, जंग जिसको कहते हैं आप लोग,
ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही रिएक्शन के कारण जंग लगता है। हवा में छोड़ देते हैं लोहा को, अगर हवा में छोड़ देते हैं तो अब हवा से लेता है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्ट कहते हैं, आर यू एस टी, रस्ट माने जंग। नाम सुने हैं ना आप लोग, है ना, यही रिएक्शन के कारण रस्टिंग होता है। Fe क्या हो गया आपको, आयरन। Fe क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल है, आयरन मेटल है, रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो बना आयरन ऑक्साइड, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। जो हमें जो जंग लगता है हवा में छोड़ देते हैं, जंग लग जाता है ना, यही रिएक्शन के कारण। तो अब मैं पूछूं इसमें आयरन का प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन का, तो नन ऑफ, कैसे का मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, ये दोनों बताने के बाद ये बताएं कि हमेशा पेयर में होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। उसी तरह मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक देखिए रिएक्ट, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस, सॉरी मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन इट गिव्स मेटालिक हाइड्राइड। मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक हाइड्राइड देता है। जैसे पोटासियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो पोटासियम हाइड्राइड, पोटासियम है हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो पोटासियम हाइड्राइड, ये पोटासियम मेटल हाइड्रोजन गैस पोटासियम हाइड्राइड। उसी तरह सोडियम हाइड्रोजन से किया तो सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन से किया कैल्शियम हाइड्राइड। याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का माइनस चार्ज में आ गया, जैसे मैंने बताया था एच का प्लस भी और माइनस भी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर इसका प्लस वन है इसका माइनस, जब प्लस होगा तो पक्का ही माइनस होगा। कोई भी कंपाउंड में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, किसी भी कंपाउंड में प्लस भी होता है और जब डिटेल में जानकारी आप लोगों को नाइन्थ में मिलेगी, ठीक है। मैं आपको अभी केवल बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस किस से रिएक्शन करके क्या बनता है, है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो कैल्शियम, इसका नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड राइट। आप बताइए यही हो गया केमिकल फॉर्मूला सी एच टू, अब लंबा चौड़ा है नहीं जी, अब शॉर्ट में कितना लिख दें, केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, आइटम का क्या है कैल्शियम और हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन, कैल्शियम और हाइड्राइड मीन्स सी एच टू सिंबल में लिखे ना, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। अल्मोनियम हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो अल्मोनियम हाइड्राइड बना, अल्मोनियम कॉपर, आपका कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो कॉपर हाइड्राइड, ठीक है। अब आगे देखिए रिएक्शन विद क्लोरीन, तो मेटल अगर रिएक्ट विद क्लोरीन गैस देन इट गिव्स मेटालिक क्लोराइड, मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस गिव्स मेटालिक, जैसे देखिए कैल्शियम ही मेटल हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, तो रिएक्ट किया तो बनाया क्या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया केमिकल फॉर्मूला CH, कहेगा कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, केमिकल फॉर्मूला मतलब सिंबल के फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूला मीन सिंबल के फॉर्म में, तो सिंबल में लिखे ना कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन CaCl2 हो गया केमिकल फॉर्मूला। तो इस तरह पोटासियम क्लोरीन से किया तो पोटासियम क्लोराइड, याद करने की जरूरत है जी, एक कंसेप्ट सीख गए बस सब हो जाएगा। Ag माने सिल्वर, ये क्लोरीन से रिएक्शन किया, Ag माने पापा मम्मी को बोलते हैं, बोला नहीं Ag, तो पापा कहते हैं Ag कहाँ गए लुहल, वो बोला Ag नहीं बात कर रहे हैं, Ag जो है सिल्वर क्लोरीन से रिएक्शन किया सिल्वर तो सिल्वर क्लोराइड, कॉपर क्लोरीन से किया तो कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन से किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से आपका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो आपको मैंने बताया कि आखिर इसमें किसका प्रॉपर्टी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, शायद थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा मैंने केमिकल फॉर्मूला अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा था, केमिकल फॉर्मूला को मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा, डिफिनेशन मैंने लिखा दिया कि प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड, कंपाउंड क्या हुआ जितना भी लिखते हैं ना फॉर्मूला वो सब कंपाउंड है, जितना भी फॉर्मूला लिखते हैं वो आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। सॉल्व फॉर्मूला कंपाउंड, देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सब कंपाउंड है, ठीक है। तो प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड, सुनिएगा कंपाउंड आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, मैं कंपाउंड का चलो डिफिनेशन भी लिखा दूंगा आगे, है ना, एलिमेंट का तो लिखा दिया था, आइटम का लिखा दिया था, चलो कंपाउंड का मैं डिफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट आइटम्स इन द कंपाउंड आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल में लिखे किसी को बोले
केमिकल फॉर्मूला, जैसे देखिए कैल्शियम ऑफ क्लोरीन को सिंबल में लिखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को सिंबल में, सोडियम सल्फेट सल्फेट को सोडियम सल्फेट सिंबल में लिखिए, कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम का सी है और नाइट्रेट का एनओ थ्री, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ कंपाउंड हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो उसमें मिला हुआ होता है। आ कंपाउंड हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स मींस जो उसमें मिला हुआ था। मिला हुआ इसमें क्या क्या है, सुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, सुगर का C12H22O11। तो मैंने क्या लिखा है कि कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड जो जितना भी केमिकल फॉर्मूला है सब एक कंपाउंड होता है, जितना भी आपका केमिकल फॉर्मूला है सारा का सारा केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड होता है, ठीक है। ये देखिएगा सुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सुगर जो है आपका ना ही कार्बन का प्रॉपर्टी, ना ही हाइड्रोजन का, ना ही ऑक्सीजन का है, नथिंग कंस्टिट्यूएंट। इसका क्या क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट का मतलब उसमें मिला हुआ, कंस्टिट्यूएंट का मतलब उसमें मिला हुआ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और तो नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैसे जो इसको एक्सप्लेन भी कर दिया मैं। चलो मान लिया कुछ देर के लिए, पल भर के लिए, मैंने मान लिया पल भर के लिए कि सुगर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का, तो कार्बन में क्या यूज करते हैं खाना बनाने में, लकड़ी कोयठा कोयला, ये सब कार्बन होता है, जिसको जलाने के बाद काला सा राख बच गया उसमें कार्बन है, ठीक है। तो चलो पल भर के लिए मैंने मान लिया कि सुगर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो इसको यूज कर सकते थे। अगर ये कार्बन का प्रॉपर्टी रखता है, सुगर मैंने क्या लिखा है नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर ये कार्बन का रखता है तो इसका यूज करते कुकिंग में, खाना बनाने में। कार्बन मतलब क्या हुआ, कोयला लकड़ी है ना, ये सब बट पॉसिबल है चूल्हा में, गैस चूल्हा में अगर लकड़ी खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया तो चीनी झोंक झोंक के खाना बनाते हैं, इसका मतलब गारंटी है कि ये कार्बन का प्रॉपर्टी नहीं रखता है ना, हेंस सुगर हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब चलो पल भर के लिए मैंने मान लिया कि सुगर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका यूज रॉकेट फ्यूल में करते हैं। रॉकेट में हाइड्रोजन हुआ बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, मैंने पहले भी बताया था हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। रॉकेट में जितना भी सैटेलाइट लॉन्च करता है कोई भी कंट्री, तो हाइड्रोजन फ्यूल यूज करता है, तो सुगर हैज मान लिया प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में। क्या चीज में यूज करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, रॉकेट अगर ऐसा होता तो पहला इतना खर्चा करता जी, चीनी भर भर के भेज देता रॉकेट में सैटेलाइट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुगर जो है, शुगर है नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, देखिए इसका मतलब शुगर है, इस तो जानते ही होंगे आप लोग। चलो पल भर के लिए मान लिया कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है, शुगर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, तो पेशेंट को नाक में चिन्नी डाल देते हैं इसका ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, सांस लेने में है ना, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन यानी श्वास लेने में। अगर पल भर के लिए मैंने माना पल भर के लिए सुगर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, मान लिया कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है, तो इसका यूज कुछ में करते हैं रेस्पिरेशन में, मैंने हाँ सुबह शाम चीनी डाल देते नाक में हो जाता है, ठीक है। लेकिन बट नॉट पॉसिबल, हेंस सुगर हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दिया जब एक एक पॉइंट को, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी जो क्लियर हो गया ना कि सुगर ना ही कार्बन का, ना ही हाइड्रोजन का, ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 है, तो नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। चलो मैंने मान लिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी रखता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम, then it is used in burning, जलाने में, मैग्नीशियम का जलाने में होता है, मैग्नीशियम को जलाते हैं ना, तो यहाँ तो मैंने बताया भी मैग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैंने बताया भी जलाते हैं तो बनता है, जलाएंगे तो बिना इनहोता दिले कौन पहुंचेगा, ऑक्सीजन। एकदम बड़ा एकदम बेशरम है जी, ऑक्सीजन में बड़ी बेशरम है, जलाइए बस आ जाएगा, जलाइए आ जाएगा है ना। जैसे चींटी देखता है चीनी आ जाए, चीनी देखता है तो चींटी आ जाता है, उसी तरह ही है ऑक्सीजन मार, जहां भी जला ऑक्सीजन आ गया,
तो किसी चीज को जला, ये हो गया मैग्नेशियम। तो अगर मैग्नेशियम का प्रॉपर्टी रखता तो जलाने में यूज करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हेंस मैग्नेशियम हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ MgCl2 मैग्नेशियम क्लोराइड। अगर मान लिया कि क्लोरीन का प्रॉपर्टी रखते हैं तो इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है वाटर को प्यूरिफाई करने में, क्लोरीन यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में, ठीक है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, मैग्नेशियम क्लोराइड का यूज वाटर प्यूरिफाई करने में नहीं होता, हेंस Cl हैज नथिंग प्रॉपर्टी ऑफ MgCl2, ठीक है। अब देखिएगा ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और अगले वीडियो में आप लोग को मैंने क्या लिखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में कुछ पॉइंट्स आया था उसका मैंने डिस्कशन किया। ऐसा नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड तीन ही है, ऐसा नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड तीन ही नहीं है, तीन ठो मैंने अभी बताया आप लोग को प्रॉपर्टी, और कल मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में ही 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। ये आप अगर दिमाग में बैठा लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड खत्म हो गया, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आपका खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अगले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आपका कंपाउंड बढ़ाया था, उसमें आयन बढ़ाया, आयन बता दिया, उसमें केमिकल फॉर्मूला आया था, केमिकल फॉर्मूला बता दिया, तो सब पॉइंट्स का मैंने थोड़ा डिस्कशन कर दिया, ये नहीं कि ये खत्म हो गया। पॉइंट्स आया था ना जिसमें उसमें कंपाउंड वर्ड का यूज किया था, मैं उसमें यूज किया था केमिकल फॉर्मूला, मैं उसमें यूज किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, कोई भी कंपाउंड हो अपना कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया Mg+O2, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बताइए मैग्नेशियम का प्रॉपर्टी कंपाउंड है, मैग्नेशियम का प्रॉपर्टी की ऑक्सीजन का कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि मैग्नीशियम का रखता है तो जलाने में यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर, ऑक्सीजन का रखता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाक में डाल देते, ऐसा होता है। अगर ये बताइए, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैंने पहले भी बताया था आपको बउआ, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन बता रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में, सोडियम इतना डेंजरस है कि पानी में डालोगे पानी में आग लगा देगी, क्लोरीन अभी छोड़ दिया जाए यहाँ पे तो हम लोग का दम घुटेगा, मर जाएंगे थोड़ी देर में, दोनों कितना डेंजरस है। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है कितना अच्छा चीज बनता है, नमक, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, इसके बिना तो खाना ही बेकार है। yes. तो देखिए ये दोनों हार्मफुल है, ये यूजफुल है, तो आइडेंटिफिकेशन लॉस हो गया ना, पहचान खो दिया, तो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था अपना पहचान खो देता है, तो सोडियम खतरनाक है, खतरनाक है, ये हमारे लिए यूजफुल है, पहचान खो दिया केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, क्या अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे। आगे देखिए कंपाउंड, कंपाउंड किसको कहते हैं, मैंने ये सब पॉइंट्स बताया, कल अगले वीडियो में बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंडिंग 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन मतलब जितना चाहिए उतना ही, इन की जितना मन करे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा CO2, ये हो गया कार्बन डाई, ऐसे लिख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है, गलत है। तो सेम प्रोपोर्शन मतलब जितना एक कार्बन एक के गो, दो गो ऑक्सीजन तो दुए गो, और मैंने लिखा MgCl2, अब मैं लिख दूंगा Mg2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही और ये गलत हो जाएगा, क्या ये कंपाउंड हो जाएगी। सेम प्रोपोर्शन मैंने लिख दिया कि दो या दो से ज्यादा टाइप्स का, लेकिन हाँ आप बताइए तो इसको आप कंपाउंड कहिएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा, पिछला वीडियो में मैंने बताया था है ना, एक ही टाइप का ढेर सारा आइटम एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैंने लिखा है H2O, H2O को मैं लिख देता हूँ, H2O को मैं HO2 लिख देता हूँ, HO2 सही हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं Na2SO4 है, जितना है उतना ही, अब इसको लिख देता हूँ NaH2O4, सही हो जाएगा, ये सही और ये तो कंपाउंड समझ गए, सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर तुरंत मिल जाए।